झंडूबाम इस कंपनी को सन 1910 में झंडू भट्ट जी ने शुरू किया था, जिसे सन 2008 में इमामी कंपनी ने खरीद लिया था। लेकिन इसकी असली किस्मत पलटी सन 2010 में जब सलमान खान की मूवी दबंग रिलीज हुई। इस मूवी का एक गाना मुन्नी बदनाम हुई काफी ज्यादा फेमस हो गया था और उसकी एक लाइन मैं झंडूबाम हुई लोगों की जुबान पर चढ़ गया था, जिसकी वजह से झंडूबाम की सेल्स डबल हो गई थी। लेकिन फिर भी इमामी कंपनी को झंडूबाम का नाम बिना परमिशन के यूज करना कुछ रास नहीं आया और इमामी कंपनी ने फिल्म के प्रोड्यूसर्स पर कॉपीराइट का केस कर दिया। लेकिन बाद में कोर्ट के बाहर सेटलमेंट हो गया और मलाइका अरोड़ा झंडूबाम की ब्रांड एंबेसडर बन गई। गाइस इसे कहते हैं किस्मत, बैठे-बैठे सेल्स भी डबल हो गई और मलाइका अरोड़ा जैसी ब्रांड एंबेसडर भी मिल गई। आपको इफेक्ट सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। उसे बचपन से ही कंप्यूटर का बहुत शौक था। इस शौक को देखते उसके पिताजी ने जैसे तैसे करके उसको कंप्यूटर खरीद के दे दिया, लेकिन इसके चलते वो 10वीं क्लास में फेल हो गया। लोगों ने तो यहां तक कहना शुरू कर दिया जो 10वीं क्लास का एग्जाम नहीं पास कर पाया वो जिंदगी में क्या करेगा। लेकिन उसे अपने पैशन पे भरोसा था। एक दिन एथिकल हैकिंग का उसने सेमिनार लिया और उसने डिसाइड कर लिया कि मैं एथिकल हैकिंग में अपना भविष्य बनाऊंगा। फिर क्या था, अपनी मेहनत के चलते आज वो लड़का बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक, एप्पल, गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम्स में बग यानी कि कमियां ढूंढ के करोड़ों रुपया कमाता है और उसके अलावा साइबर क्राइम में वो पुलिस की मदद भी करता है। Yes, I am talking about मनन शाह। गाइस यहां सीखने लायक बात ये है कि अगर आपके पैशन में आपको भरोसा है, सो आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे।